गाइस आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बेली फैट को रिड्यूस करने की इतनी आसान सी एक्सरसाइजेस कि अगर आप बिगनर भी हैं या आपका वेट बहुत ज़्यादा है या फिर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं और आप चाहते हैं जल्दी से वेट को कम करना वो भी कम मेहनत करें तो डेफिनेटली आपको ये एक्सरसाइज हेल्प करेंगी। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजिली आप इनको फॉलो कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने रैप्स और जो पोजिशन मैं आपको बता रही हूँ और जितने सेट बता रही हूँ वो आपको पूरे करने हैं, ठीक है। रैप्स होते हैं यानी आपको एक एक्सरसाइज को 20 के आपको दो बार रिपीट करना है, मतलब टोटल आपके हो गए 60 टाइम्स आपको उसको रिपीट करना है। जो भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी एक्सरसाइज के बीच में वो आपको एज इट इज फॉलो करनी है तो डेफिनेटली आपका बेली बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 12 साल का है तो भी उसको एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट करे ताकि उसका फिजिक ऑटोमेटिकली बचपन से बहुत अच्छा बने। तो बिना किसी देरी के फटाफट से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल मैट पे ले जाइए, अपनी लेग्स को इस तरह से आपने ऊपर लिफ्ट करना है, देन क्रॉस करना है और अपने हैंड्स अपने हेड के पीछे लॉक करने हैं, देन अपनी बॉडी को अपर बॉडी को हाफ बॉडी को अप करना है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जब आप अपनी बॉडी को ऊपर लेकर आएंगे तो ब्रीथ इन, जमीन से लेकर जाएंगे तो ब्रीथ आउट 20 टाइम्स करना है और इसके करने हैं आपने 5 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ केबल मैट पे ले जाइए और अपने हैंड्स को बिल्कुल बैक साइड पे रखिए, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी पूरी फोर्स के साथ अपने हैंड से अपने टोस को टच करना है, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो लिटरली आपके टमी एरिया पे बर्निंग सेंसेशन होगा और वो बर्निंग आपको आपकी टोन बॉडी की तरफ लेकर जाएगा। तो ये जर्नी जितना आप जल्दी और जितना ज्यादा रिपीटेशन करेंगे उतना जल्दी आप एक अच्छा फिजिक पा पाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 5 सेट्स। जब आप अपनी बॉडी को ऊपर लेकर आएंगे तो ब्रीथ इन, जब नीचे लेकर जाएंगे तो ब्रीथ आउट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने पीठ केबल मैट पे लेट जाना है और अपने हैंड से अपने इस तरीके से टोस को टच करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 5 सेट। इसमें आप नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहेंगे लेकिन टमी की एक्सरसाइज हो गई या फुल बॉडी की, हमेशा आपको अपने टमी को अपनी कोर को एंगेज करके रखना है यानी अपने टमी को टाइट करके रखना होता है जिससे कि वहां का फैट जल्दी रिड्यूस होता है और आपका टमी बिल्कुल सुंदर सा टोन हो जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ केबल मैट पे ले जाइए, अपने पैरों के पंजों को इस तरह से ज्वाइन करें, अपनी लेग्स को वाइड करें, देन अपने हैंड्स को पीछे लेकर जाएं और अपनी पूरी फोर्स के साथ अपने हाथों से अपने पंजों को टच करें। ऐसा करने से आपका लोअर टमी अपर टमी बहुत अच्छे से रिड्यूस होगा। इसको आपने करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 5 सेट्स। तो जब आप ऊपर लेकर आएंगे अपनी बॉडी को तो सेम आपका ब्रीथ इन रहेगा, नीचे जाएंगे तो ब्रीथ आउट रहेगा और टमी को आपने टक करके रखना है हर एक्सरसाइज में, जितना हो सके उतना स्क्वीज करके रखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह से हैंड को मैट पे प्लेस करें, अपनी नीज को ऐसे बेंड करें और आपने अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट टो को टच करना है और फिर अपने लेफ्ट हैंड से राइट के टो को टच करना है, मतलब ऑपोजिट साइड। ऐसा करने के टाइम आपका थोड़ा सा बैलेंस आउट होगा बट धीरे धीरे जब आप करेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये आपके लोअर टमी और अपर टमी को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है। इसको करना है आपने 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपने 5 सेट्स। जब आपकी लेग ऊपर आएगी तो ब्रीथ इन, जब लेग नीचे जाएगी तो ब्रीथ आउट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने हैंड को इस तरह से मैट पे प्लेस करना है और अपनी लेग्स को ऊपर मैट से उठा लेना है। उसके बाद आपने अपने घुटनों को अपनी चेस्ट के पास लेकर आना है और उसके बाद अपनी बॉडी को बैक साइड पे लेके जाना है, देन लेग्स को डाउन साइड लेके जाना है। ऐसा आपको 20 बार करना है और इसके करने हैं आपने 5 सेट्स। जब आपकी लेग्स अप जाएंगी तो ब्रीथ इन, जब डाउन जाएंगी तो ब्रीथ आउट।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप पीठ के बल मैट पे लेट जाइए, अपने दोनों हैंड्स को अपने साइड पे रख लीजिए और आपने दोनों लेग्स को ज्वाइन करके राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से आपने साइड टू साइड लेके जाना है। जितना इजी ये लग रहा है उतना ही आपको करने में टफ लगेगा, क्योंकि ये आपके लव हैंडल्स को, आपके साइड के टायर्स को बहुत अच्छे से रिड्यूस करेगा, आपके बैक को, आपके टमी को बहुत सेक्सी लुक देगा। और ट्रस्ट मी, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं एक चीज को फॉलो जरूर करें, जब आप 10 सेकंड्स का रेस्ट लेते हैं तो उसके बाद आपने उसको 20 सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करना। सपोज आपने 20 सेट्स करे, देन 10 सेकंड्स का रेस्ट, देन अगेन आपको 20 टाइम्स उसको रिपीट करना है। अगर आप अपनी बॉडी को ज़्यादा गैप देते हैं तो आपकी मसल रिलैक्स हो जाती है और उस एरिया पे इफेक्ट आना बंद हो जाता है। गाइज, तो आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन सा बेली फैट वर्कआउट बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बस अपना प्यार ढेर सारा कमेंट बॉक्स में कर दो। और हाँ, इसके साथ में आप मुझे अपना बिफोर एंड आफ्टर पिक भी सेंड कर सकते हो। 1 मंथ तक रेगुलर इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो अपनी पहले की फोटो एंड बाद की फोटो। डेफिनेटली मैं आपका वो प्रॉपर वीडियो, जो अगर आप खुद से भी मोबाइल से शूट कर सकते हो, मैं अपने ही चैनल पर आपका वो वीडियो जरूर लेकर आऊंगी। तो अगर आप इस तरीके से मुझसे जुड़ना चाहते हो तो विद योर सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना डन करके, और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर रिप्लाई करना। इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है IISHAMHERA और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम।